अलीगढ़ में खेत में मिला मासूम का शव, परिजनों ने लगाया दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप, छानबीन में जुटी पुलिस। बलरामपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने चोरी हुई कार के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा। बरेली में युवक को भगवान राम का किरदार निभाना पड़ा भारी, धर्म के ठेकेदारों ने दी युवक को धमकी, युवक ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। फतेहपुर में पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने 12 घंटे में किया लूट का खुलासा, मौके पर 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। नए मंत्री आज से संभालेंगे कामकाज। जी हां, योगी सरकार के नए मंत्री आज से अपना कामकाज संभालने वाले हैं। दरअसल रविवार को कैबिनेट मंत्री के अलावा 6 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। जितेन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री और पलटू राम, संगीता बलवंत, धर्मवीर प्रजापति, छत्रपाल सिंह गंगवार, संजीव कुमार और दिनेश खटीक राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने सभी ने शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद सोमवार को सभी मंत्रियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ सुझाव भी दिए थे। चलिए अब आपको जरा पहले ग्राफिक्स के जरिए ये समझा देते हैं कि किसको क्या मंत्रालय दिया गया है। तो कैबिनेट मंत्री जितेन प्रसाद को प्राविधिक शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया है। ऐसे में बता दें, राज्य मंत्री पलटू राम को सैनिक कल्याण, होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षा दल, नागरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि राज्य मंत्री संगीता बलवंत को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही बता दें, धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं संजीव कुमार को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दिनेश खटीक की बात करें तो उनको जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो दिनेश खटीक को जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर लिखा है कि प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल हुए सभी नए सदस्यों को विभागों का दायित्व मिल गया है। योगी ने सभी मंत्रियों को बेहतर कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि सभी नव नियुक्त मंत्रियों के कुशल, अनुभवी और कर्मठ नेतृत्व में संबंधित विभाग विकास की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। हालांकि बता दें, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार के तहत कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रह चुके जितेन प्रसाद समेत 7 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। ऐसे में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में आयोजित समारोह में जितेन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री, जबकि पलटू राम, धर्मवीर प्रजापति, छत्रपाल गंगवार, संगीता बलवंत, संजीव कुमार गौंड और दिनेश खटीक को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। तो काफी लंबे समय से यूपी में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं चल रही थी, कई महीनों से चर्चा चल रही थी, जिनको रविवार को विराम मिल गया है। अब मंत्रिमंडल का, योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, जितेन प्रसाद भी उनमें शामिल हैं। दिल्ली सरकार आज शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर राजधानी के पब्लिक स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 12 तक के छात्रों को सक्रिय और प्रतिबद्ध नागरिक बनने में मदद करने के उद्देश्य से देशभक्ति करिकुलम लागू करने जा रही है। देशभक्ति पाठ्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज शाम 4:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम के जरिए बच्चों को देश के प्रति उनके कर्तव्य का एहसास कराया जाएगा।
उन्हें ये बताया जाएगा कि हर बच्चे की देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के मकसद से स्कूलों में ये पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। ये करिकुलम बच्चों को देश के प्रति गर्व करने के लिए प्रेरित करेगा। बच्चों को देश की गौरव गाथाएं और देश की आजादी की गाथाएं सुनाई जाएंगी। हालांकि बता दें, राजधानी दिल्ली में फिलहाल कक्षा 9 से 12वीं के छात्र ही फिजिकल कक्षाओं में भाग ले रहे हैं। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी के लिए स्कूल आ रहे कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। एक बार स्कूल फिर से खुलने के बाद बाकी छात्रों को भी पाठ्यक्रम ये पढ़ाया जाएगा। देश में बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। बता दें, देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18,795 नए मामले सामने आए, जबकि 180 लोगों की जान चली गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी करते हुए बताया गया है कि देश में पिछले 24 घंटे में 26,030 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,29,58,002 हो गई है। वहीं अब एक्टिव केस घटकर 2,52,206 हो गए हैं, जबकि आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 3,36,97,581 मामले आ चुके हैं, जिनमें अब तक कोरोना से 4,47,373 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में देश में कल एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश को बधाई, हमने 1 करोड़ और कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना पर चोट किया, 5वीं बार 1 करोड़ से ज्यादा टीकों का रिकॉर्ड हासिल किया है। बता दें, देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 86 करोड़ को पार कर गया है। साथ ही देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 11,699 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 58 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में केरल में कल 17,700 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर भी ये है कि 600 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जेएनयू नारेबाजी मामले से चर्चा में आए कन्हैया कुमार और गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। बता दें, कांग्रेस में इन युवा चेहरों की एंट्री ऐसे समय पर हो रही है जब पार्टी से नाता तोड़ने की नेताओं में होड़ सी लगी हुई है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी और ललित शिवपति त्रिपाठी जैसे कई युवा चेहरों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। शमिष्ठा मुखर्जी ने तो इसी हफ्ते राजनीति से संन्यास तक का ऐलान कर दिया। उधर कुछ दिन पहले चर्चा चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर से के भी कांग्रेस ज्वाइन करने की खबर हो रही थी। ऐसे में देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के जन्मोत्सव के मौके पर मंगलवार को जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी को कांग्रेस अपने साथ जोड़कर एक साथ कई समीकरण साधने का दाव चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जी हां, वो आज 35 नई फसलों की वैरायटी को देश को समर्पित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी बता दें, अब से कुछ ही देर बाद किसानों से बातचीत भी करने वाले हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक एक्सट्रैक्ट टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी वितरित कर देंगे। साथ ही बता दें, इस विषय पर पीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया है कि जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से विशेष लक्षणों वाली फसल की किस्में विकसित की गई हैं। इन फसलों में मुख्य रूप से मुरझाई और बंदता मोजेक प्रतिरोधी अरहर, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म, चावल की रोग प्रतिरोधी किस्में, गेहूं की जैव फर्टिलाइज किस्में, बाजरा, मक्का और चना और पंखों वाला बीन और पेबा शामिल है।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें, मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया। आनंद फानन में पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश के 3 साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। बदमाश के कब्जे से चोरी का एक टेम्पो और तमंचा भी बरामद हुआ है। वहीं आपको बता दें कि घायल बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। आगरा के थाना पिनाहट क्षेत्र में 3 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए क्लिनिक संचालक डॉक्टर को पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल राजस्थान के करौली जिले के मंडराल क्षेत्र के अग्रवाल धर्मशाला से पुलिस ने सबलांस की मदद से डॉक्टर को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि मानसिक तनाव के चलते परिजनों को बिना बताए डॉक्टर लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। वहीं पुलिस ने बरामद डॉक्टर को कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मध्य प्रदेश के कटनी में झिझरी चौकी प्रभारी रश्मि सोनकर ने अपने स्टाफ के साथ चौकी क्षेत्र के होटल ढाबे पर दबिश दी। वहीं ढाबे पर दारू पाए जाने वाले पर कार्रवाई की गई। चौकी प्रभारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई है और पुलिस का ये रूटीन वर्क है। सिद्धार्थनगर के सदर थाना क्षेत्र में मोबाइल छीन कर भाग रहे युवक ने पीछा कर रहे लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके चलते 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब ऐसा हो रहा हो। इससे पहले भी कई बार चोर ऐसे ही दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं और पुलिस भी इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित होती रही है। कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग के समर्थन में किसान यूनियन की तरफ से बुलाए गए भारत बंद का सितारगंज में व्यापक असर देखने को मिला। तमाम किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बाजार में प्रदर्शन हुआ और सितारगंज में जुलूस निकाल कर प्रदर्शन कर अमरिया चौक पर सभी किसानों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। बता दें, नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने भी भारत बंद का समर्थन करते हुए किसानों की मांग को मान लेने की भारत सरकार से अपील की। बरेली के थाना बरादरी निवासी दानिश नाम के युवक को रामलीला में भगवान राम का किरदार निभाना कुछ धर्म के ठेकेदारों को मंजूर नहीं हुआ। दानिश पुराना शहर निवासी है और एक नाटक कलाकार है। दानिश अक्सर रामलीला और अन्य कार्यक्रमों में भगवान राम का किरदार निभाता रहा है, लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों को दानिश का रामलीला में भगवान राम का किरदार निभाना रास नहीं आ रहा है। दरअसल बीते दिन दानिश के घर में ही रहने वाले किरायेदार ने दानिश को डराया धमकाया कि अगर भगवान राम का किरदार निभा ना बंद नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा, और अगर ऐसा करते रहोगे तो हम तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। उन धर्म के ठेकेदारों की धमकियों से डरकर दानिश अपने मुस्लिम कलाकारों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचा और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। आज जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति पुलिस कार्यालय उपस्थित आए। उन्होंने कहा कि साहब, मेरे कुछ किराएदार हैं, वो हमारा मकान नहीं खाली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो है रामलीला में पार्ट करते हैं और हम खाली नहीं करेंगे। इस संबंध में जो प्रार्थना पत्र दिया था उसको संबंधित थाने में जांच में आवश्यक कार्रवाई प्रेषित कर दिया गया। पूरी बात दादा यह है कि मैं एक कलाकार हूँ, इसके नाते मैं सब धर्मों का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे एक दुकानदार हैं खालिद और फ्रातिब, उनको मेरे रामलीला करने से दिक्कत है। मैं रामलीला में राम का कैरेक्टर करता हूँ और 23 तारीख को योग जी का प्रोग्राम जैसे निर्धारित है यहाँ पर रामलीला का, तो उसमें मैं राम कर रहा हूँ, तो उनको इस बात से ऑब्जेक्शन है। मैं पिछले कई सालों से रामलीला करता चला आ रहा हूँ, हमेशा से इस बात को मेरे लेके उनसे विवाद होता था। इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार वो कल करीब 10:30 बजे करीब मेरे घर में आ गए और उनके हाथ में छुरी थी। कहने लगे कि तुम्हें तू बचेगा ही नहीं, तू रामलीला में राम का कैरेक्टर करेगा। तो मतलब मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपके धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
सारा मसला यही इसी बात को लेकर उनसे मेरा पिछले करीब 3-4 साल से हॉट टॉक चलता था। क्यों विरोध करते हैं? वो मेरे ख्याल से मैं मुस्लिम हूँ, उनके हिसाब से एक मुसलमान राम का कैरेक्टर नहीं कर सकता, और मेरे हिसाब से मैं एक कलाकार हूँ, इसलिए मैं सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे करना चाहिए। चलिए बरेली से हमारे संवाददाता पवन कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरह से दानिश को डराया धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो राम का किरदार ना निभाए, वो कितने समय से और कब से ये किरदार निभाता आ रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा, दानिश बारादरी क्षेत्र के निवासी हैं और दानिश काफी समय पहले से कलाकारी कर रहे हैं, स्टेज शो वगैरह करते हैं और अक्सर ये राम का किरदार निभाते चले आए हैं, जिसकी वजह से उन्हीं के घर में रहने वाले किराएदार को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उनको बीते दिनों उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी। जी बिल्कुल पवन, और जिस तरह से अब SSP कार्यालय दानिश पहुंचा है, वहां से क्या कुछ कहा गया है, क्या कार्रवाई की आश्वासन कार्रवाई का दिया गया है दानिश को? जी, अपनी समस्या को लेकर दानिश SSP कार्यालय पहुंचे, SSP से उन्होंने न्याय की गुहार लगाई और SSP ने उनको बताया है कि जल्द ही उनकी समस्या का निवारण भी किया जाएगा, जिसके चलते वो काफी डरा हुआ और परेशान से लग रहे थे। जी चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दानिश ने SSP कार्यालय जाकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल दानिश पिछले काफी समय से राम का किरदार निभा रहा था, जिसके बाद धन के ठेकेदारों ने उसे डराया धमकाया और कहा कि आगे से इस किरदार को ना निभाए। अलीगढ़ जिले के थाना गोंडा इलाके में 4 साल की मासूम का शव धान के बीच खेत में पड़ा मिला। परिजनों की तरफ से बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट गोंडा थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद गुमशुदा बच्चे का शव उसके घर से करीब 400 मीटर दूर धान के खेत में भरे पानी में पड़ा मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं मौके पर मौजूद फोरेंसिक टीम की तरफ से घटनास्थल से साक्ष्य भी इकट्ठा किए गए थे। जिला बिरखो गाँव थाना गोंडा अंतर्गत, यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि खेत में एक बच्ची का शव यहाँ खेत में मिला है, तो मौके पर तुरंत ही थाना पुलिस पहुँची और CO और मैं SP ग्रामीण हम भी मौके पर पहुँचे हैं। फील्ड यूनिट को यहाँ पर बुलाकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और साथ ही जो अन्य साक्ष्य हैं उनको संकलित किया जा रहा है। इसमें मुकदमा पूर्व से दर्ज है, उसमें धाराएँ तरमीम करके आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और इसकी जाँच की जाएगी। आज भी सुबह जब चीखे चिल्लाने की मदरसे से आवाज आ रही थी, तो मैं और एक हमारे दोस्त उमर को बचाने के लिए गए, तो हम बचाने के लिए उनको रोकने के लिए, तो उसने उसके बच्चे ने बेटे ने और बहुत सारे मदरसे बच्चों ने हमारे साथ 8 घंटे से मारपीट के बहुत बुरी तरीके से हमें मारा है, जिससे हमारे मुंह टूटे आए हैं। नहीं, चीखने पुकारने की कैसी आवाज़ है, क्या बच्चों की आवाज़ है? थिंक क्या क्या बच्चों की आवाज़ थी, बच्चों को बांधकर मारा जा रहा था बहुत डंडे बस से। लगभग कितनी जंजीरों से बच्चे बंधे हुए हैं? तकरीबन बहुत भारी चीन से भैंस बांधी जाती है, और तकरीबन 4-5 जंजीरों से बच्चे बंधे हुए हैं। कितने बच्चे होंगे तकरीबन? तकरीबन 4-5 बच्चे बंधे हुए हैं। इस आपने इसका विरोध करा फिर? जी, हमने इसका विरोध किया, तो हमारे साथ ही मारपीट की, बहुत बुरी तरीके से हम लोगों को मारा है, मुझे और मेरे दोस्त। मदरसे का ये फर्जी है, ये फर्जी मदरसे चला रहा है, मतलब बच्चों से जो है कमाई करवा रहा है, बच्चों को किस तरह की कमाई करवा रहा है? बच्चों को रसीद दे के पर्ची लेके निकाल देता है और पढ़ाई नहीं है, और बच्चों को जो है बाहर से लाकर जो है रसीद बाहर मारपीट कर रहा है, और बच्चों को जो है बांध कर जुल्म कर रहा है बच्चों का। किस तरह से बांधते, काय से? जंजीरों से बांध देता है बच्चों को, और जंजीर बहुत मोटी वाली जंजीर बच्चों के पैरों में बंधी हुई है, और बच्चे जो है पढ़ने से मना करते हैं, मतलब उनको मार रहा है जबरदस्ती, उसे बच्चों को पढ़ा रहा है वो, और आज भी बच्चों की जो है मार पीटने की आवाज़ आ रही थी रोने की उनकी, हम उसके लिए बचाने के लिए बच्चों को देखने के लिए गए थे, हमने उससे कहा भाई बच्चों को तुम पढ़ाने के लिए ला रही हो या मारने के लिए ला रही हो? इसलिए उस पर जो है हमसे बदतमीजी की, हमें मारा है, लेकिन छूट है हमारे, और हमने जो है बदतमीजी बहुत ज़्यादा की है। कहाँ पर मदरसा है? लड़िया पर मदरसा है, पंडित नाम है उसका। तो इसकी शिकायत आपने कहीं कभी करी है? जी, शिकायत जो है हमने आज करी थी थाने में, हमारे मोहल्ले के जो लोग हैं हमारे, वो हमें लौटा के लिए आए कि चलो कोई बात नहीं छोड़े इसको, और ये उसका हाथ से अगर जुल्म पड़ता जा रहा है, बढ़ता था और बच्चे भी बहुत ज़्यादा करता है वो।
हेमंत कोटियाल के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्र, क्षेत्र अधिकारी उतरौला के पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक रहरा बाजार प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रहरा बाजार की पुलिस टीम की तरफ से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस के साथ अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। वही पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया है। बीती रात जनपद बलरामपुर के रहरा थाना के पेहर में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। इस संदर्भ में यह अवगत कराना आवश्यक है कि पुलिस को यह सूचना मिली कि कुछ लोग एक गाय को लेकर के जा रहे हैं, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधियों की तरफ से पुलिस पर फायर किया गया और पुलिस ने सुरक्षार्थ उन पर फायर किया, जिससे मकबूल नाम के एक अपराधी के दाहिने पैर में गोली लगी। उसके दो साथी जो साथ में थे वो भाग गए मौके से। उनको प्राथमिक उपचार के उपरांत जो है संयुक्त जिला चिकित्सालय पे भेज दिया गया है, जहां ट्रीटमेंट चल रहा है। अभियोग पंजीकृत करके कानूनी कार्रवाई की गई है। इसमें यह भी अवगत कराना है कि हमारा एक आरक्षी भी इस मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है, और मौके से एक गाय, 315 बोर का एक कट्टा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और गोवंश के अपराध से जुड़े उपकरण बरामद किए गए हैं। फतेहपुर पुलिस ने किशनपुर थाना क्षेत्र में हुई किराना व्यापारी के साथ लूट की घटना का 12 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। बता दें, खुलासा करते हुए एसपी ने बताया है कि लुटेरों का भागते हुए वीडियो किसी ने मोबाइल पर कैद कर लिया था, जिस आधार पर पुलिस ने 12 घंटे के अंदर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी पलहावार गाँव के पास किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके से 6 अभियुक्तों को किराना व्यापारी से लूटे हुए 1,86,000 रुपए के साथ धर दबोचा है। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, कारतूस और 7 मोबाइल फोन के साथ ही मोटरसाइकिल भी बरामद की है। कल किशनपुर क्षेत्र में एक बड़ी ही सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें श्याम जी अग्रवाल नामक व्यापारी से करीब 2,00,000 रुपए बदमाशों ने छीन लिए थे, हाथ में मिर्ची डाल करके। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, इसको हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और ये संयोग था कि हमको कहीं से एक अच्छी वीडियो मिल गई, जिसके आधार पर हम लोगों ने बाइक और बदमाशों को ट्रेस किया। और रात भर हमारी डिसोजी टीम और किशनपुर की टीम लगी रही, इनका पीछा करती रही। इनको पता नहीं चला, लेकिन फ़ोन नंबर से पता चल गया था। आज मुखबिर के आधार पर हम लोगों को पता चला कि खागा और विजयपुर के बीच में ये एक जगह इकट्ठा हो करके और पैसे का बंटवारा करने वाले हैं। उस दौरान ये तीन मुलगे, जिसमें राशिद नाम का बदमाश है जो पहले 4 बार जेल जा चुका है, चौकसी में गया है, चोरी में गया है और NTPS में भी जेल जा चुका है, ये गिरफ्तार हुआ। हमजा ये भी पहले जेल जा चुका है और धर्मेंद्र पटेल ये भी जेल जा चुका है, तीनों पहले से जेल जा चुके हैं। और 3 जो व्यक्ति पकड़े गए हैं, उन्होंने मुखबिरी की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।